दोस्तों, आप जब भी अपना न्यू लैपटॉप या न्यू पीसी लेके आते हैं तो देखते हैं कि उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी अच्छी होती है, कितना अच्छा लगता है काम करने में, बहुत अच्छा चलता है, वीडियो वगैरह रेंडिंग करते हैं बहुत आराम से हो जाता है। मगर फिर क्या होता है कि धीरे 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 आपका जो पीसी है वो स्लो होना शुरू हो जाता है, फिर हैंग होने लगता है, कुछ खोलो तो कुछ देर बाद खुलता है, और फिर जो है आपके मन में ये सवाल आ जाता है कि क्या आप इसको जो है चेंज कर देना चाहिए, दूसरा लेना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, पीसी जो आपने पीसी खरीदा है वही पीसी जब तक इसका हार्डवेयर सही रहेगा उसी स्पीड पे चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है यहाँ पे सोच रहे हैं कि पुराना हो गया तो स्पीड अब कम हो जाएगी। दोस्तों, होता क्या है कि जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में जंक फाइल होती है ना, जंक फाइल, कैच फाइल, ये सब होती हैं, तो वहाँ पर डिफरेंस टाइप के जो है एप्लीकेशन होते हैं, सिस्टम एप्लीकेशन होते हैं उसको क्लियर करने के लिए, तो उसको आप क्लियर करते रहते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कैसे क्लियर करना है। तो उसी तरह लैपटॉप में भी होता है, पीसी में भी होता है, विंडोज़ में भी होता है कि आपको क्लियर करना होता है। अगर आप उसको नहीं क्लियर करते हैं तो ये जो फाइल है 1 GB 2 GB 3 GB ऐसे जो है होती चली जाती है, और फिर वही जो है स्पेस घेरती है और आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में आपको बताएंगे कैसे आपको इसको क्लियर करना है और अपने सिस्टम को बूस्ट करना है। देखिए, जैसे ही मैं जो बताऊंगा आपको, अगर उसको क्लियर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो पीसी में जो स्पीड है वो देखिएगा कि तुरंत बूस्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको जो बताऊँगा उसको आप तुरंत अभी जाके करिए और फिर देखिए कि क्या होता है। तो दोस्तों, अब ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, सीधा आप ले चलता हूँ अपने लैपटॉप में, वहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। अब मैंने वैसे मैं तो करता रहता हूँ, और मैं जो पीसी यूज़ करता हूँ आप यकीन नहीं मारेंगे, 2009 का कोर टू ड्यो प्रोसेसर का ये पीसी मैं यूज करता हूँ। अब आप समझ सकते हैं 2009 कहाँ पे और इस समय 2022 चल रहा है, तो वही सेम स्पीड, जैसे इसमें भी रेंडर वेंडर सब कुछ हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा ओल्ड है तो थोड़ा सा स्लो है, मगर आप तो न्यू यहाँ पे लिए हुए हैं, i3 लिए होंगे, i5 लिए होंगे, वो स्लो हो रहा है, तो वो रीज़न यही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपको क्या क्या यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में या अपने पीसी में विंडोज़ प्लस आर की प्रेस करनी है। फिर उसके बाद जैसे आप यहाँ विंडोज़ प्लस आर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए रन कमांड यहाँ पे शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे टैम्प आपको लिखना है। अगर नहीं लिखा होगा तो TEMP टैम्प लिखना है, उसके बाद ओके कर देना है। जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो जितनी टेम्परेरी फाइल होगी, ये देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है। फिर इसको आपको कंट्रोल ले करके यहाँ पे डेल पे क्लिक करना है और इसको डिलीट कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे जो फाइल नहीं डिलीट होगी उसको कंटिन्यू कर देना है आपको रन कमांड में। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारी जो फाइल है वो डिलीट हो गई, फिर आपको इसको क्लोज कर देना। फिर आपको यहाँ पे विंडोज़ प्लस आर यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीफेच, आप देख सकते हैं यहाँ पे PREFETCH प्रीफेच पे यहाँ पे टाइप करना है, उसके बाद ओके कर देना है। तो मैंने पहले से ही टाइप किया है। फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे देखेंगे यहाँ पे फिर से जो जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स हैं, जो भी आपने यहाँ पे सिस्टम चलाया होगा, तो ये देखिए यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और इसकी साइज आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि टोटल कितनी साइज है यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके, और यहाँ पे देख सकते हैं 237 आइटम है। तो ये कुल मिला के यहाँ पे जो है 15 MB जो है अभी जगह ले रहा है। उसके बाद ओके करके यहाँ पे फिर से इसको डिलीट बटन आपको क्लिक करना और ये डिलीट हो जाएगा। जो नहीं डिलीट होगा उसको आपको स्किप कर देना है, फिर आपको यहाँ से इसको कैंसिल कर देना। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर से एक बार यहाँ पे विंडोज़ प्लस आर प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे तीसरा यहाँ पे देखिए परसेंटेज का सिंबल, उसके बाद टेम्प, फिर परसेंटेज ये लिखना है, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे इतनी सारी जो है टेम्परेरी फाइल यहाँ पे खुल गई है। दोस्तों, ये टेम्परेरी फाइल मैं तो डिलीट करता रहता हूँ, इस वजह से यहाँ पे कम है। तो आपके अगर सिस्टम में आपने ऐसा पहले नहीं किया होगा, अगर आप करेंगे जाएंगे देखेंगे तो बहुत सारी फाइल यहाँ पे करीब हो सकती है 1 GB 2 GB की होगी, इसी की वजह से यहाँ पे सिस्टम स्लो हो जाता है। तो इसको फिर से आपको यहाँ पे डिलीट बटन पे करना है डिलीट, उसके बाद कंटिन्यू करना है, और इसमें भी जो फाइल नहीं डिलीट होगी उसको यहाँ पे स्किप कर देना है। ये देखिए यहाँ पे कुछ फाइल नहीं डिलीट हो रही है तो इसको आपको स्किप कर देना है, आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों, अगला स्टेप है कि आपको अपने माई कंप्यूटर में जाना होगा।
तो जैसे आप माई कंप्यूटर में जाएंगे तो यहाँ पे दिस पीसी पे, अगर आपका विंडोज़ 10 है तो दिस पीसी पे क्लिक करना है। उसके बाद जितने आपके ड्राइव हैं यहाँ पे खुल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 4 ड्राइव हैं, तो जैसे कि ये फर्स्ट वाला है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है प्रॉपर्टीज़ में, उसके बाद यहाँ पे डिस्क क्लीनअप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप डिस्क क्लीनअप क्लिक करेंगे, ये देखिए क्लीनअप हो गया है यहाँ पर, क्योंकि इसमें ज़्यादा फाइल है नहीं, तो आप जो है यहाँ पर उसके बाद आपको ओके कर देना है, फिर इसको बंद कर देना है। फिर इस वाले पे जाना है, सेकंड वाले पे इसी तरह इसको भी करना है, या प्रॉपर्टी में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करना है, और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। या आप सिस्टम फाइल करना चाहते हैं क्लीनअप सिस्टम फाइल, तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना, तो ये पूरा डिस्क यहाँ पे क्लीन हो जाएगा, कोई फाइल आपकी डिलीट नहीं होगी। जो जंक फाइल, जो वैसे फाइल होती है वही डिलीट होती हैं, तो इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे। इस पर जाएंगे और यहाँ पे क्लीनअप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये भी फाइल कर देते हैं, तो ये भी देखिए कुछ देर क्लीन होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे, तो ये क्लीन होके उसके बाद ओके कर देंगे। दोस्तों क्योंकि सबसे ज़्यादा फाइल सी में होती है तो यहाँ पे लगता है टाइम, तो देखिए यहाँ पे सी में जाते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी में जाते हैं, यहाँ पर क्लीनअप पर क्लिक करते हैं। अब देखिए इसमें टाइम लगता है, ये देखिए ये सारी जो टेम्परेरी फाइल, एरर फाइल होती हैं, जो भी फाइल होती हैं वो जाती हैं हमारे रिसाइकल बिन में। उसके बाद यहाँ पे भी क्लीन कर लेंगे, यहाँ पे सिस्टम फाइल भी क्लीन कर लेंगे, तो ये देखिए ये भी यहाँ पे क्लीन हो रहा है, इसमें भी आपको यहाँ पे टाइम लगेगा देखिए ये। तो इससे क्या होगा कि आपका जो सिस्टम अभी तक स्लो चल रहा था वो अभी एकाएक बूस्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ देखिए मैंने इसको किया और ये देखिए मेरा सिस्टम भी फास्ट हो गया। दोस्तों तो आप यकीन नहीं मान सकते कि मैं जो इस समय सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ बहुत पुराना 2009 का ये मॉडल है, और उस पर मैं इसी तरह ये सारी चीज़ें करके यहाँ पे डिलीट पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे अब ये डिलीट होंगी जो टेम्परेरी फाइल है, ये हो गया डिलीट, उसके बाद ओके कर देना। आप टेंशन मत लीजिए कि कुछ यहाँ पे होगा, ऐसा कुछ नहीं है, देखेंगे आपका सिस्टम देखिए बहुत तेज़ यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपको रिसाइकल बिन में जाना है, वही सेम चीज़ है, रिसाइकल बिन को जो है एम्प्टी कर देना है, और आपका सिस्टम यहाँ पे देखेंगे कि फास्ट हो गया है। तो गाइस इस तरीके से आपने देखा कि क्या क्या आपको क्लियर करना है। तो आपको अपने कैश फाइल, टेम्परेरी फाइल और अपने सिस्टम के जो ड्राइव्स है उसको क्लीन करना है, तो इस तरीके से क्लीन करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो लैपटॉप है, पीसी है, वो बूस्ट हो जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप यकीन नहीं मानेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से लोग करते हैं, आप मगर कुछ लोग जो है आपको नहीं बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं, बहुत सारी वीडियो भी है, आपने नहीं देखा होगा। फिलहाल ये वीडियो देखा है तो अब आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपका यहाँ पे काम होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए आए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह मैं टेक से, ट्यूटोरियल से, बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो दोस्तों कुछ भी मन में डाउट है, कोई सवाल है, कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें ritesh34, और वहाँ मैसेज करें, मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा अगर कोई दिक्कत होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।